सप्रेम साईदा आसंतु सुनिबा आजिर प्रशांति अनुचिंता मनुष्य एवं परम आनंद मध्यरे संपर्क कौन भगवान आज प्रेमपूर्ण भावरे हाकु वर्णना करिछंती जेहेतु आमे सेही आनंद को पाइबा पई प्रयास करथुवा बेले ताहा प्राप्त करिवार संभावना अधिक दृढ़भूत हेब परम आनंदरु मानविकतार उत्पत्ति होइथाय बढ़िथाय एवं सेही आनंदरे ही लीन होई जाइथाय आनंदरु मनीषर जन्म आनंद को प्रकाश करिबा हेउछि मनीषर कर्तव्य एहा ही मानविकतार विस्तृत कथा प्रत्येक मनीष आनंद को अनुभव करिबा पई विभिन्न प्रकारर प्रयास करिथांती शैशव अवस्थारु वृद्धावस्था पर्यंत मनीष आनंद को प्राप्त करिबा पई सब प्रकारर चेष्टा करिथाय किंतु से खोजुथुबा स्थान मानकरे आनंद मिली नथाय से निजे आनंदर स्वरूप होइथिबा बेले ताहाकु बाहरे खोजिबा संपूर्ण भावरे एक मूर्खता मात्र संसार रे कोनसी व्यक्ति निजक निज बाहरे खोजि थाए कि जदि एही खोजिबा प्रक्रिया एक अज्ञानर परिचायक सेही परि आनंद को निज बाहरे खोजिबा एक अज्ञता अटे माछ बिना पानी रही पारिबो किंतु पानी बिना माछ रही पारिबो नाही डाळ हेउछि गछर गोटी अंश शिशु हेउछि तार माताकर एक अंश गछ बिना शाखा बंची पारिबो नाही शिशुटि मध्य तार माताक बिना बंची पारिबो नाही सेहिपरि मानव समाजर अस्तित्व दिव्यत्व उपरे आधारित मनीष हेउछि दिव्यत्वर एक स्पुलिंग दिव्यत्व बिना मनीष आनंद को अनुभव करि पारिबो नाही उक्त दिव्य संभाषणटि भगवान एप्रिल 4 तारीख 1992 मसीहारे आमको सूचाई देइछंती कहिबार तात्पर्य आत्मार नियम को खोजि पाई पारिले जीवन सर्वोत्तम भावरे व्यवहृत हेब एवं मानव प्रयास को एक सर्वोत्तम मार्गदर्शक मिली पारिबो। जय साईराम।